हाय, मैं हूं सीए गौरव सबरवाल, 18 कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सीएमए इंडिया वर्सेस सीएमए यूएस। चलिए देखें। राइट, सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करियर ट्यूजडेज। और हमारे लास्ट पोल के अंदर आपने मुझे कहा कि सर सीएमए यूएस और सीएमए इंडिया का आप एक कंपैरिजन करके एक वीडियो बना दें। तो शुरू करते हैं हम हमारे एनालिसिस के साथ। भाई, हर प्रोफेशन के अंदर हमें ये देखना तो बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम कमाई कितनी करेंगे। तो अगर आप इंडिया के अंदर जॉब करना चाहते हैं और आपने सीएमए यूएस और सीएमए इंडिया के बीच में आप डिसाइड करना चाहते हैं, तो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से और सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में कोई खास फ़र्क नहीं है, क्योंकि कई सारी पोजीशंस ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर ऐसी हैं जिसके अंदर वो सीएमए यूएस और सीएमए इंडिया दोनों को इक्वली एक्सेप्ट करते हैं। इनफैक्ट अगर सैलरी में भी आप देखें तो सैलरी पैकेज 4 to 5 lakh एवरेज रहता है दोनों का, सीएमए इंडिया का भी और सीएमए यूएस का भी। दूसरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैंने देखी है, भाई सीएमए के अंदर सिर्फ कोर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक्स कवर नहीं होते, सीएमए के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स भी कवर होते हैं और कुछ इंडियन लॉज वगैरह भी कवर होते हैं। इस कारण से सीएमए इंडिया के लिए थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाता है, ऐसा आप बोल सकते हैं, क्योंकि एक सीएमए डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का भी काम कर सकता है। और इसीलिए सीएमए के लिए प्रैक्टिस करना एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो जाता है, जो सीएमए यूएस के पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मगर इधर भी एक थोड़ा सा पंगा है। पंगा ये है कि अगर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज अ सीएमए, तो आपको कम्पीट करना पड़ता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से। हाँ, अगर आप कॉस्ट ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर सीएमए को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, बट वहाँ पर भी अगर आप देखें तो बहुत बड़ी कंपनी जो हैं उनको ही कॉस्ट ऑडिट कराने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इंडिया के अंदर कॉस्ट ऑडिट के क्लाइंट्स थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियाँ कॉस्ट ऑडिट के असाइनमेंट्स एक अलग से सीएमए प्रैक्टिस करने वाले किसी प्रोफेशनल को देने की बजाय बिग फोर या बड़ी बड़ी ऑडिट फर्म्स को देना चाहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि क्योंकि एक सीएमए इंडिया प्रैक्टिस कर सकता है इंडिया के अंदर, ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है जिससे आप डिसाइड करें कि नहीं नहीं सीएमए इंडिया सीएमए यूएस से बेटर है। अगली बात करते हैं ड्यूरेशन की, कितना समय लगेगा हमको ये कोर्सेज करने में। तो सीएमए इंडिया जो है 3 से 4 साल लेता है, क्योंकि कोर्स कंटेंट काफ़ी बड़ा होता है, 3 लेवल इसके अंदर होते हैं और ये क्लियर करने में 3 से 4 साल एक एवरेज स्टूडेंट को लग जाते हैं, जबकि सीएमए यूएस बहुत कम समय के अंदर कंप्लीट हो जाता है, 1 से 1.5 साल उनकी वेबसाइट पे लिखा है, मगर इससे भी कम समय के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है सीएमए यूएस। तो ड्यूरेशन देखते हुए मुझे ऐसा लगता है सीएमए यूएस के पास एक एज है, क्योंकि कम एज के अंदर आपके पास एक ऐसी डिग्री मिल जाती है जो आपको एम्प्लॉयबल बना देती है। अब हम बात करते हैं खर्चे की। तो दोनों ही कोर्सेज कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कोर्सेज नहीं है। सीएमए इंडिया अगर आप 12th क्लास के बाद परस्यू कर रहे हैं तो तकरीबन आपके 2 से 3 लाख रुपये का खर्चा आ सकता है, और अगर आप अपना ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं तो आपको पहला स्टेज नहीं देना है, डायरेक्टली आप इंटरमीडिएट के अंदर एंटर करते हैं और वहाँ पे भी आपका खर्चा जो है कुछ 30-40 हज़ार से और कम हो जाता है। और यहाँ पर भी सीएमए यूएस की एक एज है, क्योंकि ये सस्ता कोर्स है, भाई तकरीबन 1.5 लाख का आपका इसके अंदर खर्चा मैक्स टू मैक्स आ सकता है, और इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स इंडिया में भी हैं। अब अगली बात हम करते हैं वैल्यू एडिशन की। चलें, आपने सीएमए इंडिया कंप्लीट कर लिया, अब आप इसके आगे कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन तो आपके पास ये अवेलेबल है कि सीआईएमए यूके के साथ एक एमओयू साइन हुआ हुआ है, कि अगर आप सीएमए के मेंबर हैं तो आप सिर्फ एक पेपर देकर सीआईएमए यूके की डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। और वहीं अगर आप एसीसीए के लिए जाना चाहते हैं तो आपके 5 ईयर्स के वर्क एक्सपीरियंस अगर कंप्लीट है सीएमए इंडिया करने के बाद, तो ACCA के अंदर आपको 9 पेपर्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, और अगर ये एक्सपीरियंस आपका 5 साल से कम है तो सिर्फ और सिर्फ 7 पेपर आपके एग्जेम्प्ट होंगे ACCA के अंदर, और बाकी के रिमेनिंग पेपर्स ही आपको देने होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीएमए इंडिया के लिए ये एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है, क्योंकि आप बाद में कुछ वैल्यू एडिशन कोर्स करना चाहते हैं तो आप ACCA के लिए जा सकते हैं और उसके अंदर काफ़ी सारे पेपर्स भी आपके एग्जेम्प्ट होंगे। और अगर आप चाहते हो नहीं नहीं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फील्ड के ही रहें और हमें ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल जाए, तो आप सीआईएमए यूके का एक पेपर देके सीआईएमए यूके की डिग्री ले लेंगे, और अब आपके पास ग्लोबल रिकॉग्निशन भी आ गया, अब आप आउटसाइड इंडिया के लिए जॉब के लिए भी जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं पासिंग रेट की, यानी कि कितने स्टूडेंट्स पास करते हैं अगर वो सीएमए इंडिया का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये जो पासिंग रेट है ये 10 to 20% के बीच में रेंज करता है, यानी कि काफ़ी टफ है सीएमए को क्लियर करना। बट अगर यही सीएमए यूएस की बात की जाए तो कम से कम उनकी वेबसाइट तक उन पर उन्होंने लिखा हुआ है कि 50% ऑन एन एवरेज बच्चे पास हो जाते हैं। ईज़ ऑफ क्लियरिंग यानी कि पास होने का और क्वालिफाई होने का चांसेस आपका सीएमए यूएस के अंदर ज़्यादा है, और इसलिए सीएमए यूएस को मैं एक पॉइंट यहाँ पर ज़्यादा देना चाहूँगा।
आजकल के एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कंप्यूटर लिटरेसी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मुझे अभी भी याद है कि 2008 में इकोनॉमिक डिप्रेशन का समय था और मैंने अपना सीए कंप्लीट किया ही था और मैं डिलॉयट में अपने पहले जॉब के लिए गया। मैंने कहा जॉब का पहला दिन है, एक बढ़िया से पेन खरीद के मैं मेरी जेब में डाल के लेकर जाता। और जैसे ही मैं अपने जॉब के लिए गया और मेरे मैनेजर ने मुझे देखा और देखते से उन्होंने कहा कि भाई ये पेन किस लिए है। मैंने कहा सर कुछ लिखना हो, कहीं कुछ साइन करना हो तो उसके लिए पेन है। भाई मुझे आदत पड़ गई थी क्योंकि पूरा सीए तो हमने पेन पेपर पे दिया था। स्पीड कैसे बढ़ाएं, इसी जद्दोजहद में हम लगे रहते थे और हमेशा पेन इस्तेमाल किया और मुझे लगा कि शायद प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर भी पेन का इस्तेमाल तो होगा ही। इतने टाइम जब पेन एंड पेपर से हमने एग्ज़ाम दिए तो मेरे बॉस ने स्माइल किया और स्माइल करके बोला कि इसकी ज़रूरत आपको अब नहीं पड़ेगी, अब आप ये लैपटॉप लीजिए और आपका सारा काम आप इस लैपटॉप पर ही करेंगे, कहीं आपको पेन की ज़रूरत नहीं पड़ने। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2008 की। अब एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कंप्यूटर लिटरेसी एक प्रोफेशनल के अंदर होनी चाहिए और वही सीएमए यूएस के अंदर एक श्योरिटी होती है, क्योंकि सीएमए यूएस के जो पेपर्स होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं। क्योंकि आप जब जॉब करने के लिए जाओगे तब आप कंप्यूटर पे ही काम करोगे तो आपकी पढ़ाई और आपके एग्ज़ाम भी कंप्यूटर पे हों, ये एक अच्छा आइडिया मुझे लगता है। जबकि सीएमए इंडिया के अंदर सारे जो पेपर्स हैं वो पेन एंड पेपर बेस्ड हैं। सीएमए यूएस को यहाँ पर एक एज देना चाहूँगा। एक बात और जो मेरे कलीग से बात करते हुए मुझे पता चली वो ये थी कि अब कई सारी फाइनेंस और इंश्योरेंस की फील्ड की कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को कह रहे हैं कि अगर आप सीएमए यूएस कर लेते हैं तो आपकी सैलरी के अंदर हम इंक्रीमेंट देंगे या प्रमोशन देंगे। ये बहुत ही रीसेंट न्यूज़ है, हो सकता है आप पहली बार इसी वीडियो पे ये बात सुन रहे हैं। तो अगर आपने 12th पास किया है और फ्यूचर में सीआईएमए यूके या सीएमए के साथ एसीसीए करने का आपका प्लान है तो सीएमए इंडिया इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज आप इंडिया के लिए तो रेलेवेंट रहते ही हैं और बाद में जाकर अब्रॉड के लिए भी आप रेलेवेंट बन सकते हैं और अपनी डिग्री के अंदर एक तगड़ा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। सीएमए यूएस क्योंकि एक बहुत ही सस्ता कोर्स है और बहुत ही कम समय में हो जाता है, तो वो लोग जो अब अपने एज के एक काफ़ी आगे की पोजीशन में आ चुके हैं या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, सीएमए यूएस मुझे लगता है उनके लिए एक अच्छा आइडिया है। या फिर सीएमए का खर्चा आप नहीं उठाना चाहते इंडिया का तो आप सीएमए यूएस कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ कॉस्ट इफेक्टिवनेस ज़्यादा है। फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज तो ऑलरेडी इंडिया के अंदर काफ़ी हैं और अब दिन ब दिन ये कंपनीज इंडिया के अंदर बढ़ती भी जा रही हैं और इसीलिए सीएमए यूएस की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। बट अगर आप सिर्फ इंडिया के अंदर रहना चाहते हैं और खर्चा करने के लिए और समय लगाने के लिए तैयार हैं तो आप सीएमए इंडिया कर सकते हैं, और फ्यूचर में आपके अब्रॉड जाने के प्लान बनते हैं तो सीआईएमए और एसीसीए का रास्ता तो आपके लिए खुला ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई ना तो लाइक कर दो, और आपकी तरह आपको लगता है और भी कोई इस वीडियो के अंदर इंटरेस्टेड हो सकता है तो प्लीज़ उनसे शेयर करें। अगर आप अभी तक इस चैनल में सब्सक्राइब नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। ऐसे हर ट्यूसडे हम करियर रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं और उससे पहले हम पोल्स भी रिलीज़ करते हैं जिसके अंदर आप वोट कर सकते हो कि कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हो कमिंग करियर ट्यूसडेज के अंदर, और अगर आप सब्सक्राइब रहेंगे तो ये पोल्स आपको दिखते रहेंगे और आप इसके अंदर वोट भी कर पाएंगे। और साथ ही साथ में वेरी इंपॉर्टेंट ये बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि अगर आपने वोट किया और हमने करियर ट्यूसडेज पे उसकी वीडियो डाल दी तो आपको पता तभी चलेगा, आपको नोटिफिकेशन तभी आएगी जब आप बेल का आइकन। अभी के लिए इतना ही, आपके सीए गौरव सर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।